नमस्कार, मैं रिशिता गुप्ता, इंडियन वॉइस लवर्स के स्टोरी राइटिंग कंपटीशन की पार्टिसिपेंट, आज आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आई है जिसका नाम है अज्ञात मित्र। आशा है आप सभी को ये कहानी बेहद पसंद है। अंधेरी गलियों से गुजर साहिल हाफता हुआ अपने घर की दहलीज पर कदम रखता है और तुरंत खुद को अपने कमरे में बंद कर दीवार से सट बेजान सा जमीन पर पड़ जाता है। उसके हाथ पांव डर से कांप रहे थे। उसके हाथों पर हल्की सूजन और खून की कुछ बूंदें साफ नजर आ रही थी, पर इस सबसे बेखबर उसकी आंखों की पुतलियों में बस एक ही दृश्य घूम रहा था कि कैसे क्षण भर पहले कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया था, पर दूसरे ही क्षण वह उन सबको बड़ी बेदर्दी से पीट रहा था। ये सब याद कर उसके जहन में तरह तरह के सवाल उमड़ते जा रहे थे। आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं चाहकर भी खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा था? लगता था जैसे मेरा अपने शरीर पर कुछ काबू ही ना रहा। कहीं कहीं फिर तो वो साया? नहीं नहीं, ये क्या बकवास सोच रहा हूँ। जरूर डर के मारे खुद पर काबू नहीं रहा हूँ। हाँ, यही हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। साहिल इन बातों को बड़बड़ाता हुआ कुछ इस तरह दोहरा रहा था मानो खुद को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सब ठीक है। परंतु जब उसकी नजर उसके कमरे पर पड़ी तो उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग और भी फीका पड़ गया। जब कमरे के एक हिस्से में सभी चीजें बड़ी सलीके से रखी थी, वहीं दूसरी तरफ सब कुछ बिखरा पड़ा था। ऐसा लगता था मानो तो बिल्कुल ही अलग अलग कमरों की तस्वीर सामने, जिसमें विपरीत व्यक्तित्व के लोगों की छाप नजर आती थी। परंतु अचंभे की बात तो यह थी कि साहिल अकेला रहता था। वह 2 साल पहले ही अपना गांव छोड़ शहर आया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर तभी कुछ महीने पहले चीजें बदलने लगी थी। साहिल को अपने अंदर कई परिवर्तन नजर आ रहे थे। उसकी यादें बिखरी हुई सी प्रतीत होती थी। लगता था मानो जो घटना याद है वो कभी हुई ही नहीं और जो हुई है वो याद ही नहीं। समय भी उसके लिए कुछ अलग रफ्तार से चल रहा था। कभी कछुए की चाल चलता तो कभी समुद्र के तीव्र वेग सा बढ़ता, जिसमें साहिल को अपनी नाव गोते खाती आवाज होती थी। जैसे जैसे साहिल को इन सब बातों का एहसास हो रहा था, वैसे वैसे उसका दिल और बैठा जा रहा था। ठीक ऐसा ही उसके साथ बचपन में भी हुआ था, जहां झाड़ फूक करवा बड़ी मुश्किलों से उसके पिता ने उसे ठीक करवाया था। क्या मुझे फिर ठीक कराना होगा? ये बात सोचते ही साहिल के रोंगटे खड़े हो गए। वह फिर कभी उस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहता था, पर अगर पिताजी को इस बात का पता चला तो? अपने पिता का ख्याल आते ही साहिल का खून सूख गया। उसके पिता एक हेडमास्टर थे और स्वभाव में हमेशा से ही कठोर थे, परंतु उसकी माँ के जाने के बाद उसके पिता की कठोरता की मानो कोई सीमा ही न रही। उनकी नजरों में वह हमेशा से ही एक नालायक बेटा था। इस नालायकी से बचने के लिए वह हर काम करता था। स्कूल में अव्वल आता था, घर को भी चमका कर रखता था, पर फिर भी वह नालायक ही रहा। यह सब सोचते सोचते साहिल का गुबार आक्रोश में बदल गया। वह कांपते हुए पैरों से खुद को घसीट आईने के सामने जा पहुंचा। आईने में अपने प्रतिबिंब को देख साहिल की अश्रुपूर्ण नजरों में जैसे लहू उतर आया। बिखरे बाल, पसीने में तर बतर तनाव की रेखाओं से जड़ा चेहरा और सूजी हुई आंखें देख वह अपने आप को और रोक नहीं पाया और क्रोध में उसने आईने पर अपना हाथ इतनी जोर से मारा, शीशा टूट कर बिखर गया। आईने के बिखरे हुए अंशों में से अभी भी साहिल का प्रतिबिंब झांक रहा था। उसके हाथ से खून बहने लगा था, मगर उसे इस सब की कोई परवाह ना थी। उसकी जुबां पे बस एक ही सवाल था, आखिर तुम हो कौन? पर तभी एकाएक साहिल की नजरों में कुछ फेर हुआ। उसके चेहरे से तनाव के सारे भाव कहीं लुप्त हो गए
उसकी आंखें बिल्कुल शांत हो गई थी। लगता था जैसे साहिल इन सारी तकलीफों से दूर कहीं खुले गगन में फिर रहा हो। फिर अचानक उसकी आंखों में हरकत हुई। साहिल पलके झपका, कुछ देर टूटे हुए आईने में अपने साए को एक टक घूरता रहा। फिर उसकी नजर उसके जख्मी हाथ पर पड़ी। मूर्ख। सुबह की होंद में साहिल की नींद खुली तो उसने अपने आप को कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर बैठा पाया। साहिल को अपना सर थोड़ा भारी सा लग रहा था। उसने जैसे ही खुद को संभालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो अपने हाथ की चोट को सलीके से एक पट्टी में बंधा देख वह दंग रह गए। घबराकर उसने इर्द गिर्द देखा और अपने कमरे को बिल्कुल साफ सुथरा पा गहरी सोच में पड़ गया। ऐसा पहली बार था कि उसका कमरा बिखरा हुआ नहीं था, वरना हमेशा वह चाहे जितना मर्जी प्रयास कर ले उसकी चीजें तितर बितर ही नजर आती थी। इसी बीच उसका ध्यान टूटे हुए आईने पर पड़ा, जिसे साफ कर कांच के बिखरे हुए काफी अंश फेंके जा चुके थे, परंतु अभी भी कुछ हिस्से शीशे के तले में ऐसे गड़े थे कि उनमें अपना आधा प्रतिबिंब देखा जा सकता था। क्या ये मैंने? यह सब देख साहिल के माथे पर शिकन सी आ गई, पर तभी उसकी नजर आईने के समीप रखी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तस्वीर उसके बचपन की मालूम पड़ती थी, जहां वह समुद्र के किनारे किसी के साथ खड़ा था, परंतु तस्वीर को मोड़कर चिपकाए जाने के कारण यह पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर साहिल की दूसरी तरफ था कौन, जिसका हाथ वह बड़ी खुशी से थामे खड़ा था। साहिल को इस तस्वीर के बारे में कुछ ज्ञात नहीं था, परंतु जोर डालने पर अचानक से उसके दिमाग में एक याद कौंधी, एक ऐसी याद जो उसने न जाने कब से अपने अंदर दबा रखी थी। झाड़ फूक की उस रात पिता से लड़ झगड़ माँ रोते बिलखते हुए साहिल को समुद्र किनारे उसका मन बहलाने लाई थी। वह माँ के पूछने पर साहिल ने अपना सारा दर्द भुला बड़े उत्साह से उन्हें अपने खास दोस्त से मिलवाया था, जो हमेशा उसका ख्याल रखा करता था। उसे मिल माँ कुछ देर के लिए तो स्तब्ध रह गई, पर फिर उन्होंने साहिल को बाहों में भर बहुत प्यार किया था। इतना ही नहीं, उसकी खुशी के लिए उन्होंने उसकी और उसके प्रिय दोस्त की तस्वीर भी ली थी, पर लाख हट करने के बावजूद वह कभी उसे वो तस्वीर दिखाती नहीं थी, बस हर बार पूछने पर मुस्कान देती थी। अपनी माँ की उस मुस्कान को याद कर साहिल की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से तस्वीर के मुड़े हुए हिस्से को खोलना शुरू किया। इस दौरान उसके कानों में अपनी माँ की कही बात गूंज रही थी। साहिल, वो हर चीज तुम्हारी मित्र है जो तुम्हारा भला चाहे, फिर चाहे मैं तुम्हें नजर आए या ना। साहिल तस्वीर को अपने हाथों में लिए कुर्सी पर बैठा उसे एक टक देख रहा था। उस तस्वीर में उसके अलावा और कोई नहीं था सिवाय एक आभास के, एक अज्ञात